walking down this town. The sun is shining all around. Assalamualaikum viewers, मेरा नाम है कासिम मलिक और आपको खुश आमदीद करते हैं एक और वीडियो के अंदर जो कि हमारे पास टेक्नो कैमन 18T का फुल रिव्यू। इस रिव्यू के अंदर हम देखेंगे इसके कैमरास के रिजल्ट, इसका डिस्प्ले और इसका आईओ वगैरह हम टेस्ट करके देखेंगे, प्रोसेसर की स्पीड वगैरह देखेंगे। तो चलें आपको मज़ीद बोर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कैमन 18T का रिव्यू। और एक बात आपको और बता दूँ, इस वीडियो में कहीं परिजात भी आएगा तो वीडियो ज़रा एंड तक देखिएगा। तो ले चलते हैं आपको रिव्यू की तरफ और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको मिलता है 6.8 इंच का IPS का 1080 पिक्सल्स के अंदर डॉट इन डिस्प्ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एच टू एच हमारे पास डिस्प्ले है। आप कलर्स की क्वालिटी देख सकते हैं, इस वक्त जो ये जो वीडियो है वो 1080 पिक्सल्स के ऊपर मैंने प्ले की हुई है। ब्राइटनेस हम और यहाँ पे आपको फुल करके दिखा देते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग ये हमारे पास इसका डिस्प्ले है जो कि आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम डिज़ाइन की बात कर लें तो यहाँ पर आपको टेक्नो कैमन 18T एक बिल्कुल प्रीमियम लुक देता है। बैक साइड पे आपको मिलता है प्लास्टिक, लेकिन ये एक मैट फिनिश के अंदर है जिसपे आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। बैक पे आपको मिल जाता है जी ट्रिपल कैमरा सेटअप जो कि है हमारे पास, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और साथ में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और फ्रंट पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो ले चलते हैं आपको यहाँ पर कैमरा के रिजल्ट की तरफ, जिसमें हम आपको कैमरा के रिजल्ट दिखाएंगे और कुछ वीडियो सैम्पल्स भी। और अब हम आपको ले चलते हैं जी वीडियो सैंपल्स की तरफ। तो व्यूअर्स ये हमारे पास इसका फ्रंट कैमरा का रिजल्ट आप देख सकते हैं जहाँ पर हम सुबह चल रहे हैं और शाम का टाइम है। हमने सोचा शाम को आएंगे और थोड़ा सा नाइट के जो शॉट्स हैं वो भी ले लेंगे। तो आप फ्रंट कैमरे का रिजल्ट देख सकते हैं, किसी किस्म का माइक यूज़ नहीं हो रहा, आउटसाइड पे हैं, बहुत ही कम लाइट है, शाम का टाइम हो रहा है और रिजल्ट आपके सामने है। और यहाँ कैमरास के अंदर हमें सबसे जो ज़बरदस्त फीचर लगा है वो यहाँ पे इसका ये AI है जो कि आप देख सकते हैं ये आई को रिकॉग्नाइज करता है बड़ा जनाब आराम से। और अगर आप ब्यूटी मोड में भी जाते हैं तो भी ये आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है और आपको और भी खूबसूरत बना देता है। अगर आप फिल्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, पोर्ट्रेट मोड आपको फ्रंट कैमरा के अंदर भी मिल जाता है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आप 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर बुके इफेक्ट लगाते हैं फ्रंट कैमरा पे या बैक पे तो आप 720 पिक्सल्स के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बैक कैमरा में भी अगर आप 2K रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बुके इफेक्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर बुके लगाएंगे तो फिर ये 720 पिक्सल्स के ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर भी ब्यूटी मिल जाएगा, ब्यूटी मोड। तो यहाँ पे जनाब आपको 60Hz का यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है हाई रिफ्रेश रेट का और उसके साथ अगर हम फुल ब्राइटनेस करके देखें तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त इनसाइड और आउटसाइड डिस्प्ले मिला है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इसका जनाब इन्होंने ये पैनल बनाया है नोटिफिकेशन वाला। और ये अगर आप राइट साइड से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल पैनल मिल जाता है जिसमें ब्राइटनेस है, आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, वाईफाई वगैरह ऑन करना हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले हम एक ही बार करते थे तो उसमें हमारे नोटिफिकेशन भी आ जाते थे, जब इन्होंने ये बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लेफ्ट साइड पर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे जो नोटिफिकेशन आ जाएंगे और यहां पे अगर आप राइट साइड पे स्वाइप करेंगे तो आपको पूरा कंट्रोल पैनल मिल जाएगा जिससे आप जितने भी फीचर्स हैं इस मोबाइल के उनको आप इजी टू एक्सेस कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे आपको दिखाएं इसके माई फोन के अंदर जाकर, तो यहाँ पे आपको इसका लेटेस्ट HI का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 है, जो कि एक एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। आप देख सकते हैं आपको फोन ऑन करते साथ यहाँ पे एंड्रॉयड 11 जो है वो मिलेगा। मजीद हम देखें यहाँ पे, तो आपको एक पावरफुल मीडिया टेक हीलियो G85 का प्रोसेसर मिलता है, जिससे फोन की जो बहुत जबरदस्त स्पीड है। और यहाँ पे फ्रंट और बैक कैमरा के हमने आपको रिजल्ट दिखाए, जो कि 48 मेगापिक्सल है आपको फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे मिलता है। 4GB का रैम है, 128GB का स्टोरेज है और बहुत ही बड़ी यहाँ पे हमारे पास 5000mAh की बैटरी है। और फोन का वेट इतना ज्यादा नहीं है जितनी बड़ी बैटरी है। और 18W का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। मैंने इसको तकरीबन एक दिन से ज़्यादा यूज़ किया और जब का फ़ोन लिया और वही चार्जिंग चल रही है, और अभी भी यहाँ पे हमारे पास 25% चार्जिंग है। तो बैटरी की जो आउटपुट है वो भी हमें स्पीड के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त मिली। तो फ्रेंड्स, ये था यहाँ पे हमारे पास टेक्नो कैमन 18T का फुल रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग या रिव्यू के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और फ्रेंड्स, जाते जाते यहाँ पे ये परिजात जो है वो आया है ऐड के अंदर, तो ये भी आप देखते जाइए और वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। Discover all-round clarity with Techno Camon 18. 48 megapixel camera on both sides. Clear shot all around.